सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा यादव आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो BCG वैक्सीन है, जो ये एट द बर्थ के टाइम पे लगाई जाती है टिल 1 ईयर ऑफ एज, इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.1 ml एंड रूट इज़ ID, दैट इज़ इंट्रा डर्मल, और जो इसकी साइट होती है दिस इज़ लेफ्ट अपर आर्म एंड सेकेंड इज़ हेपेटाइटिस बी। दिस वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ विद इन 24 आवर्स, डोज इज़ 0.5 ml, रूट इज़ इंट्रा मस्कुलर दैट इज़ IM एंड साइट इज़ एंटीरियो लेटरल मिड थाई एंड थर्ड इज़ OPV 0, यानी OPV की 0 डोज जो है वो एट बर्थ दी जाती है विद इन 15 डेज, डोज इज़ 2 ड्रॉप्स, रूट इज़ ओरल एंड साइट इज़ ऑल्सो ओरल एंड OPV की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज जो है वो 6, 10 and 14 वीक्स पे दी जाती है एंड इट कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, डोज इज़ 2 ड्रॉप्स, रूट इज़ oral and site is also oral. Next चलते हैं pentavalent. Pentavalent वैक्सीन की first, second and third dose जो है वो 6, 10 and 14 वीक्स पे दी जाती है and it can be given till 1 year of age, यानी कि 1 साल तक के बच्चे को भी दी जा सकती है and इसकी dose जो है वो है 0.5 ml, root is IM that is intramuscular and site is anterior lateral mid thigh. Next is IPV that is कब दी जाती है, इसकी 2 fractional dose दी जाती है at 6th and 11th week पे, डोज इज़ 0.1 ml, रूट इज़ ID दैट इज़ इंट्रा डर्मल, साइट इज़ राइट अपर आर्म। नेक्स्ट वैक्सीन इज़ MR दैट इज़ मीजल्स एंड रूबेला। फर्स्ट डोज जो है इसकी दी जाती है 9 to 12 months में एंड इट कैन बी गिवन टिल 5 ईयर्स ऑफ एज, डोज जो है इसकी 0.5 ml है, रूट इज़ सबक्यूटेनियस एंड द साइट इज़ राइट अपर आर्म। एंड नेक्स्ट वैक्सीन इज़ विटामिन ए दैट इज़ इसकी फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ्स में दी जाती है, डोज इज़ 1 lakh international unit एंड रूट इज़ ओरल, साइट इज़ ऑल्सो ओरल। नेक्स्ट वैक्सीन अगर हम देखें तो DPT जो है यानी डिप्थीरिया पर्टोसिस एंड टेटनस, इसकी फर्स्ट बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स पे दी जाती है, डोज इज़ 0.5 ml, रूट इज़ इंट्रामस्कुलर एंड साइट इज़ एंटीरियर लेटरल मिड थाई एंड नेक्स्ट वैक्सीन इज़ MMR और यू कैन से MR मीजल्स एंड रूबेला, सेकेंड डोज जो है इसकी 16 to 24 मंथ्स पे दी जाती है, डोज इज़ 0.5 ml, रूट इज़ सबक्यूटेनियस एंड साइट इज़ राइट अपर आर्म। नेक्स्ट इज़ OPV की बूस्टर डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ्स में एंड डोज इज़ 2 ड्रॉप्स, रूट और साइट जो है इट इज़ ओरल एंड विटामिन ए की सेकेंड डोज दी जाती है 2nd to 9th dose 16 to 18 months पे, देन एवरी 6 months to 5 years तक, डोज इज़ 2 lakh international unit, रूट इज़ रूट एंड साइट बोथ आर ओरली एंड नेक्स्ट इज़ टाइफॉइड TPV यानी 24 months पे दी जाती है एंड डोज इज़ 0.5 ml, रूट इज़ IM, साइट इज़ एंटीरियर लेटरल मिड थाई। नेक्स्ट वैक्सीन इज़ DPT बूस्टर सेकेंड डोज, यानी DPT की सेकेंड बूस्टर डोज दी जाती है 5 to 6 years पे एंड डोज इज़ 0.5 ml, रूट इज़ इंट्रामस्कुलर एंड साइट इज़ अपर आर्म एंड
नेक्स्ट इज़ ए टीटी और टीडी यानी कि टेटनेस एंड डिप्थीरिया 10 ईयर्स पे एंड 16 ईयर्स पे दी जाती है. डोज इज़ 0.5 ml एंड रूट इज़ इंट्रामस्कुलर एंड साइट इज़ अपर आर्म. तो ये वीडियो थी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर. अगर आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना. एंड वीडियो कैसी लगी हो तो ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशंस मिल सकें. थैंक यू सो मच.